और फिलहाल हमारे साथ कौशलेंद्र प्रियदर्शी, रेजिडेंट एडिटर, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। कौशलेंद्र प्रियदर्शी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कौशलेंद्र जी, पीएम मोदी बोहरा समुदाय के प्रवचन कार्यक्रम में शामिल हुए, इसके बाद से दो बड़े सवाल उठ रहे हैं। पहला सवाल ये, क्या ये पीएम मोदी का राजनीतिक दौरा था? और दूसरा सवाल ये, क्या पीएम और बीजेपी मुस्लिम समुदाय के दो अलग अलग भागों में बांटकर, या ये कहे अलग अलग भागों में बांटकर मुस्लिम समुदाय का जो वोट बैंक है उसे साधने की कोशिश कर रही है? देखिए, इन दोनों सवाल का जो जवाब है पल्लवी, उसका पहले सवाल का मैं जवाब दे दूं कि क्या ये मोदी का राजनीतिक दौरा है। किसी भी राजनीतिक दल का प्रमुख अगर खासकर चुनाव से पहले अगर किसी खास संप्रदाय जहां उसकी छवि, उनके जो व्यक्तित्व है उसके उलट है, जो करने की कोशिश करते हैं, और वहां जाते हैं और इमाम हुसैन के संदेश को वो दूर तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, वहां बैठते हैं, सुनते हैं, बोहरा समुदाय के कार्यक्रम में भाग लेते हैं, तो बिल्कुल ये राजनीतिक दौरा है। और वो जो चुनावी अखाड़े में, जो मध्य प्रदेश का चुनावी अखाड़ा शुरू होने वाला है, वहां आप समझिए कि एक एक तरीके से राजनीतिक कुश्ती का मुजाहरा भी आप कह सकते हैं। हालांकि कांग्रेस ने इस पे अलग तरीके से टिप्पणी की है, लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो राजनीति अपने हिसाब से मतलब वोटों को देख करके रास्ता अख्तियार किया करती है। और फिलहाल बोहरा समुदाय के सम्मेलन में जाना मोदी का और वहां बैठना, लोगों का सुनना, फिर प्रवचन कार्यक्रम में अपना भाषण देना और फिर वहां सम्मानित किया जाना, एक तरीके से ये बिल्कुल ये साबित करता है कि कहीं ना कहीं ये जो संवेदनशीलता दिखाने की कोशिश है मोदी की बोहरा समुदाय के प्रति या मुसलमानों के प्रति, जो आज उन्हें अच्छा लगने लगे, तो ये कहीं ना कहीं उनका राजनीतिक दौरा जरूर है। दूसरी बात, प्रधानमंत्री के पद पे रहते हुए ऐसा कई दफा देखा गया है कि सिंगापुर में भी वो मस्जिदों में गए हैं, इससे पहले भी अबू धाबी में मस्जिद में गए हैं। तो मस्जिदों में जाने का जो कार्यक्रम आपको याद होगा, अभी जो रिपोर्ट चल रहा था उसमें ये कहा जा रहा था कि वो गए थे गुजरात में लेकिन टोपी नहीं पहुंच पानी थी। इसी तरह योगी भी उसी छवि के हैं, तो टोपी नहीं पहनना जहां एक तरफ कट्टर हिंदुत्व का परिचायक है, दूसरी तरफ क्योंकि मुसलमान एक अच्छा खासा वोट बैंक है और मोदी नहीं चाहते कि बेवजह हम जो वोट बैंक, सीधे तौर पर उनको पता है कि मुसलमान हमें वोट नहीं करते, क्योंकि उनके मंत्री भी कई दफा तीन तलाक को लेकर के जब रविशंकर प्रसाद से कुछ प्रश्न पूछा गया था तो उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि मुसलमान हमें वोट नहीं करते। इसी तरह भारतीय जनता पार्टी के कई नेता कई दफा कह चुके हैं कि मुसलमान हमें वोट नहीं करते, लेकिन आप कल से देखें आरएसएस के द्वारा भी ये विंग बनाया गया मुसलमानों का, जो उनकी मदर संस्था आप बीजेपी की कह सकते हैं। तो कुल मिलाकर जो फोकस है 2019 और मध्य प्रदेश के चुनाव का, तो वहां किसी न कि अगर 1 से 2% वोट का भी स्विंग होता है तो काफी कभी कभी वोट कमाल कर जाता है, तो ये जरूरत है आज की। और एक प्रधानमंत्री होने के नाते जो प्रोटोकॉल है, जो सर्वधर्म संभाव का संदेश, लेकिन कौशलेंद्र जी, जिस तरीके से कभी पीएम मोदी सूफी मुसलमानों के साथ दिखाई देते हैं, कभी शिया मुसलमानों के साथ दिखाई देते हैं, मुस्लिम वोट बैंक को तितर बितर करने की जो नीति है वो कहीं ना कहीं साफ तौर पर उभर कर आ रही है। बिल्कुल, देखिए उसमें भी तो आप कई दफा पल्लवी देखते हैं कि कुछ सॉफ्ट मुसलमान हैं, कुछ कट्टर मुसलमान हैं, कुछ बहावी हैं, कुछ बोहरा समुदाय से हैं, कुछ अहमदिया हैं, तो उसमें भी देखिए ये आप राजनीति से इस तरीके ये जो सवाल है आपका, तो कहीं ना कहीं सूट डालो और राज करो की नीति सब किया कर रहे हैं, चाहे वो एससी एसटी में लड़ाकर कर ले, किसी को लुभाकर कर ले, भले ही वो इस बात को कहें कि आर्थिक हम सबको समानता के अधिकार के तहत, जो मौलिक अधिकार है उसके तहत सबको संवैधानिक अधिकार के तहत सारे सब लोगों को समान देखना चाहते हैं, लेकिन राजनीतिक दलों राजनीतिक दल के द्वारा जो आजाद भारत में हथकंडा अपनाया जा रहा है वो अंग्रेजों से बिल्कुल उलट नहीं है, क्योंकि यहां भी वही चीज है कि किसी न किसी समुदाय के बीच में उनको फूट डालो। आपको बहुत याद होगा तो हमारे बिहार में नीतीश कुमार ने दलित को महादलित कर दिया, अब दलित रहा कहां, वो तो महादलित हो गया, तो कुछ को महादलित कर दिया और कुछ को दलित कर दिया। इसी तरीके से राजनीति
अपने रंग अपना जो रंग है बिल्कुल बिल्कुल मजहब का जो राजनीति है जबरदस्त खेली जा रही है। कौशलेंद्र जी हमारे साथ और मेहमान भी जुड़े हुए हैं, सुरेंद्र राजपूत प्रवक्ता हैं ये कांग्रेस के, इनके अलावा अरुण गुप्ता जी प्रवक्ता बीजेपी से, इरफान पठान प्रदेश महासचिव AIMIM के, तीनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। जी धन्यवाद पल्लवी। सुरेंद्र जी मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी, हिंदूवादी चारा चुभने लगा है शायद बीजेपी को। एक बड़ा पुराना गालिब का शेर था या कुमार का था मुझे याद नहीं है पल्लवी, लेकिन उन्होंने कहा था कि हैरान हूं मैं तुमको मस्जिद में देखकर, ऐसा क्या हुआ कि खुदा याद आ गया। अब सच्चाई यह है कि इलेक्शन हो रहे हैं, मोदी जी दर दर भटक रहे हैं, कहीं ना कहीं आज तक ये रामनवमी पे तो कभी अयोध्या आए नहीं, ऐसा क्या हो गया कि मुहर्रम का मातम मनाने ये लोग चले गए इंदौर। सच्चाई ये है कि इन्होंने पिछले चार साल में कोई विकास का काम नहीं किया। हम किसी के यहाँ जाने के विरोधी नहीं, हम स्वागत करते हैं, लेकिन आज 4.5 साल बाद जो आदमी टोपी ना पहनता हो आज वो मुहर्रम में मातम मनाने जा रहा है, तो निश्चित रूप से ये बातें सामने आएंगी कि आपने 4.5 साल में क्या विकास किया, लड़कों को क्या दिया क्या नहीं दिया, आज की डेट में किसानों को दिया, बेरोजगारों को दिया, मजदूरों को क्या दिया। आप मस्जिद मस्जिद जाइए, स्वागत है, बेरोजगारी भत्ता दे दीजिए और रोजगार दीजिए। बिल्कुल अरुण गुप्ता जी, कांग्रेस का स्वागत। अरुण गुप्ता जी आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? हाँ पहुंच रही है, बोलिए। पल कांग्रेस का सॉफ्ट हिंदुत्व तो क्या बीजेपी का सॉफ्ट सेक्युलरिज्म कहें इसे? देखिए पल्लवी मैं सीधा विषय पे आऊंगा जी। विषय ये है कि हम ये कहते हैं धर्म की बात कर रहे हैं, धर्म को मजाक मान की बात कर रहे हैं, यही विषय है ना। देखिए धर्म को जब आप आदत के अनुसार करते हैं या आपकी आदत में ये है कि आप हर धर्म को मानते हैं, हर धर्म स्थल पे जाते हैं, तो वो एक बड़ा नेचुरल है, बहुत एक जैसे होना चाहिए किसी को भी। और जो लोग आज ये बात कर रहे हैं, मोदी जी वहां जाते हैं, सिंगापुर जाते हैं, नेपाल जाते हैं, वहां जा कहीं भी वो जाएं वो अपनी आदत के हिसाब से जाते हैं, और बाकी लोग जो कर रहे हैं चाहे वो हम कर्नाटका की बात करें या कहीं की भी बात करें, जो भी वो लोग करते हैं वो लोग सिर्फ एक अपोर्चुनिज्म के करते हैं, वो एक उस चीज को करते हैं लोगों को दिखाने के लिए, देखिए आज हम आपको ये पसंद है तो हम ये कर रहे हैं, कल को वो पसंद होगा तो वो करेंगे, ऐसा नहीं होता पल्लवी। धर्म एक ऐसी चीज है जिसको आप जब मान्यता देते हैं तो आप अपनी आदत के अनुसार देते हैं। तो राहुल गांधी के कैलाश मानसरोवर जाने पर तो कोई आपत्ति होनी नहीं चाहिए थी? क्या बोलिए दोबारा? तो फिर कैलाश मानसरोवर की यात्रा पे जब राहुल गांधी गए थे तो कोई आपत्ति होनी ही नहीं चाहिए थी बीजेपी को? नो, बीजेपी आपत्ति नहीं करती है किसी के जाने पे, बीजेपी सिर्फ ये कहती है। मजाक तो जमकर उड़ाया गया था। बीजेपी ये कहती है पल्लवी कि आप ढोंग क्यों करते हैं, आप आपकी अगर आदत में नहीं है तो मान लीजिए ना, आपकी आदत में नहीं है, ढोंग करने की क्या जरूरत है। वही हम कह रहे हैं, हम विषय को बिल्कुल साफ लफ्जों में कह रहे हैं, या तो आदत है या आदत नहीं है। बीजेपी पर भी मुस्लिम विरोधी होने का आरोप बराबर चस्पा है अरुण गुप्ता जी, बीजेपी पर भी आरोप चस्पा है मुस्लिम विरोधी होने के, अब अचानक से कैसे याद आने लगी? बिल्कुल नहीं, जहां तक धर्म की बात है हम कभी भी किसी धर्म के विरुद्ध नहीं थे, हम कभी भी किसी धर्म के अगेंस्ट हमने बात नहीं की। ये बात आप भी समझती हैं, सब लोग समझते हैं, कांग्रेस के भी समझते हैं, बाकी समुदाय भी समझते हैं, हम कभी भी किसी धर्म के अगेंस्ट नहीं है। लेकिन एक बात बिल्कुल सही है, इस देश में रहने के लिए, इस देश का मान करने के लिए, सम्मान करने के लिए सारे धर्मों को एक साथ लेके हम चलते हैं, हम कभी किसी धर्म के अगेंस्ट नहीं है। लेकिन फिर बार बार पल्लवी बार बार ये कहना कि प्रधानमंत्री जी वहां गए, ये उनका बहुत बड़ा एक आदत भी है, बड़ापन भी है, हर जगह जाते हैं। इसको लेकर भी मेरे पास आपके लिए काफी सारे सवाल है, आप हमारे साथ बने रहिए। इरफान पठान भी लगातार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। इरफान पठान जी, ये सबका साथ सबका विकास का नजारा था या फिर कोशिश थी दाऊदी बोहरा के मंच से मुस्लिम समाज को एक संदेश देने की? पल्लवी जी आपने जो सवाल किया मैं उसका सबसे पहले ये जवाब देना चाहूंगा कि इस देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि इस तरीके से समाज को बांट करके वोट की राजनीति की जा रही है, और ये इस देश के लिए घातक है। आज मोदी जी को मुसलमान याद आ रहे हैं, 2002 में कहां थे वो मोदी जी जब मुसलमान बहनों के साथ बलात्कार किया जा रहा था, मुसलमान बहनों के पेट से बच्चा चीर करके निकाल करके मारा जा रहा था, तब कहां थे ये मोदी जी? और रही बात कांग्रेस की,
तो कांग्रेस का जो इस टाइम हिंदुत्व का मुद्दा लेकर के मानसरोवर की यात्रा कर रहे हैं या मानसरोवर पे जा रहे हैं, तो यही कांग्रेस ही सबसे ज्यादा जिम्मेदार है मुसलमानों के हुकूक को कत्ल करने के लिए। यही कांग्रेस ही जिम्मेदार है जो ये सचर कमेटी की रिपोर्ट को ना लागू करने के लिए। अगर आप सचर कमेटी की रिपोर्ट लागू कर दी गई होती तो मुसलमान की ये पसमानदगी ना होती। आज हिंदुस्तान में मुसलमान पसमानदगी के उस दौर से गुजर रहा है कि सचर कमेटी ने खुद, उसमें आप पढ़ लीजिए, उसमें लिखा हुआ है कि मुसलमान दलित से बदतर जिंदगी गुजार रहा है हिंदुस्तान में। तो आज मोदी जी को मस्जिदें याद आ रही है, राहुल गांधी को मानसरोवर और मंदिरें याद आ रही है। तो ये दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों ने मुसलमानों की जड़ों को खोदने का काम किया है और मैं सबसे ज्यादा दोषी इसमें कांग्रेस पार्टी को मानता हूं, क्योंकि कांग्रेस जब इतने सालों तक इख्तदार में रही लेकिन उसने मुस्लिमों के पक्ष में कोई भी मतलब ऐसी चीजें, ऐसी योजनाएं नहीं लागू की जिससे मुस्लिम समाज को उभार करके ऊपर लाया जा सकता है। तो ये सारी चीजें मैं कांग्रेस को बार बार, हमारी पार्टी कांग्रेस को टारगेट इसी वजह से करती है क्योंकि कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जिसने आरएसएस जैसे देश विरोधी संगठन को पलने और पनपने का मौका दिया। अगर कांग्रेस चाह गई होती तो आज हमारे देश अभी पीएम मोदी जो बोरा समुदाय के कार्यक्रम में शामिल हुए उसे आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए वो तो राजनीतिक स्टंट है। पीएम मोदी को आज ये लग रहा है, एक मैं आपको दोहा सुना देता हूँ कबीर दास जी का कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोए, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे का होए। तो मसला तो ये है कि इतनी जमीन को ये लग रहा है कि हमसे हिंदू हट रहा है तो आप लाओ मुसलमानों को साथ लिया जाए, और यही चीज राहुल गांधी को लग रही है कि कम से कम आज हमको हार्ड हिंदुत्व के फेवर में जाकर के हिंदू वोट को साथ दिया जाए। तो दोनों जगह एक ही स्टेटी पे काम किया जा रहा है, कहीं पे मुसलमानों का जिक्र नहीं हो रहा है। ये मुसलमानों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है हिंदुस्तान में, और इस चीज को पूरे देश के मुसलमानों की बात कर रहे हैं या जनता है उसको भी गलत बात समझ रही है? इरफान जी, पूरे देश के मुसलमानों के बारे में बात कर रहे हैं या फिर सिर्फ AIMIM के बारे में बात कर रहे हैं? नहीं नहीं मैं मुसलमान देश के उन मुसलमानों के बारे में बात कर रहा हूँ जो दलित से बदतर जिंदगी गुजार रहा, उन मुसलमानों के बारे में बात कर रहा हूँ। कम से कम उनके बारे में कोई ख्याल करे। जो सचर कमेटी पिंटू कमेटी की रिपोर्ट है उसको, उस पर क्यों नहीं नजर दौड़ाई जाती है? ये जब इलेक्शन करीब आता है तो मोदी जी मस्जिदों को दौरा शुरू कर देते हैं और राहुल गांधी मंदिरों का दौरा। यही आपने देखा होगा गुजरात में कि अगर वो 10 मंदिर गए तो राहुल गांधी 12 मंदिर में गए। तो ये कंपटीशन क्यों चल रहा है? अरे विकास के नाम पे वोट लीजिए, विकास करेंगे तो जनता खुद आपको वोट देगी, विकास करेंगे तो जनता खुद आपको सराहेगी। तो ये सारी चीजें आपको खुद समझनी चाहिए भली भांति। ये चुनावी स्टंट, चुनाव तो जब आता है तो जाहिर सी बात है ऐसा तो नहीं कि चुनाव जब आता है तो भात मांगो तो पुलाव आता है। तो ये वही नजरिए पे ये बीजेपी भी चल रही है और वही नजरिए पे कांग्रेस भी चल रही है। तो ये दोनों गुप्ता जी से जवाब ले लेते हैं। इरफान पठान जी, अरुण गुप्ता जी, जी क्या जवाब है? पल्लवी जी, मेरे को लग रहा है कि जो हमारा विषय है उसको डेरेल किया जा रहा है। विषय बहुत साफ है कि भारत में रहने वाले भारतीय जो है, उसकी पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। मानती हैं आप? भारत में रहने वाला कोई भी भारत का निवासी उसको भारतीय जनता पार्टी माननीय उसको मानती है, और उसमें रहने वाले जनता पार्टी अगर मानती है तो हिंदुत्व की बात क्यों करती? अभी अभी आप अगर बोले तो ठीक रहेगा, बीच में मत बोलिए। मैं जब बोल रहा हूँ तो मुझे बोलने दीजिए। आप अगर ऐसी कोई बात करेंगे, आप बोलिए, आप बोलिए, आप मैंने बोलिए बोलिए, मैं सुनना चाहता हूँ। बीच में मैं जो कह रहा हूँ बड़ा साफ है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए इस देश में रहने वाले सभी नागरिक बराबर हैं और हर धर्म बराबर है। मैंने जैसे पहले कहा कि हम जो है धर्म की राजनीति नहीं करते हैं। अगर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी धर्म स्थान पे जाते हैं, किसी भी धर्म स्थान पे जाते हैं, वो अपनी आदत के अनुसार जाते हैं, वो ढोंग करके नहीं जाते हैं, ना वो ढोंग रचते हैं ना वो ढोंग करके जाते हैं। बाकी लोग जो है वो इलेक्शन के टाइम वो ढोंग करके जाते हैं। हम नहीं करते तो आप अपने एजेंडे से मंदिर के निर्माण क्यों नहीं निकालिए? लंबित है तो आप अपने एजेंडे से क्यों नहीं उस चीज को निकाल रहे हैं? धर्म की राजनीति आप ही तो कर रहे हैं, और कौन कर रहा है?
हम नहीं करते हैं, हम बिल्कुल ये राजनीति नहीं करते हैं, बीजेपी राजनीति कर रही है। इसका इसका रंग जो है ये सब आप लोग मिलके देते हैं इस देश में, हम बिल्कुल नहीं देते। और आपने ये कहा कि विकास नहीं करते, आपको आपको विकास की परिभाषा हम समझाते हैं। विकास विकास है, जाके रूरल में जाके देखिए जिनके घरों में क्या विकास, जिनके घरों में इतने सारे गैस बताइए आपको नहीं समझ आती होती है। अरुण गुप्ता जी, धन के नाम पर राजनीति हो रही है या नहीं ये सभी बखूबी जानते हैं। अरुण गुप्ता जी, मेरा सवाल आपसे यह है कि 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी ने भी मुसलमानों के बीच ऐसे ही अपनी छवि सुधारने की कोशिश की थी, हश्र क्या हुआ था वो सब जानते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि पीएम मोदी के साथ भी कुछ वैसा ही हो जाए। पल्लवी जी, इनसे पूछिए कि पल्लवी जी, जहां तक विकास के नाते जनता पार्टी का सवाल है, मैं दोबारा दोहरा रहा हूं एक बात, इसके अंदर हम भारत की राजनीति नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे लिए इस देश में रहने वाला हर शहरी नागरिक है। इन्होंने सुन लेते हैं एक बार अरुण गुप्ता जी का जवाब सुन लेते हैं। अरुण गुप्ता जी, इरफान जी, अगर आप बीच में ना बोलें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ना आप अपनी बात कह पा रहे हैं ना मैं बोलने। आप जी जी बोलने, आप आपको आप जरा सुन लीजिए एक दफा। मैं सिर्फ पल्लवी जी ये कहना चाह रहा हूं कि क्या इस देश में रहने वाले लोग जो हैं, क्या हम उनको भारतीय कह सकते हैं? और जब भारतीय उनको हम कहते हैं और किसी भी समुदाय से वो विश्वास रखने वाले हों, तो क्या देश का प्रधानमंत्री उनके धर्म स्थल पर नहीं जा सकता या उसको नहीं जाना चाहिए? तो इसमें इसमें धर्म की राजनीति कहां से होगी? धर्म की राजनीति तो कांग्रेस करती है, धर्म की राजनीति तो बाकी लोग करते हैं जो लोग लोगों को उकसाते हैं इस राजनीति से। जो तर्क आप दे रहे हैं वो कांग्रेस भी दे सकती है, उसमें कोई दो राय नहीं है। मैं मेरे को लगता है राहुल गांधी के मंदिर जाने पर इतने बवाल नहीं होना चाहिए या इतने बयान नहीं आने चाहिए फिलहाल। आप बयान जो आ रहे हैं, बयान बाकी लोगों की तरफ से आ रहे हैं कि इनको इनको अचानक क्या हो गया, हमारे पास समय का भी अभाव है, बुलेटिन खत्म होने का टाइम हो चुका है। और कौन किसकी राजनीति कर रहा है, 2019 बहुत ज्यादा दूर नहीं है, साफ पता चल जाएगा कि किसको क्या फल मिलेगा। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो पीएम मोदी के बोहरा समाज के कार्यक्रम में शामिल होने के बाद से ही बयानबाजियों का दौर शुरू हो चुका है। हालांकि कांग्रेस इस पर बहुत ज्यादा खुलकर बयान देने से बच रही है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं बीजेपी का सॉफ्ट सेक्युलरिज्म जो है वो साफ तौर पर यहां नजर आ रहा है। फिलहाल के लिए आज का मुद्दे में इतना ही। देश प्रदेश की ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज इंडिया।